नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसमें कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसको एम्पावर करा गया कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर सकती है। तो इसी को लेके फरवरी में फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी मिली 1930 में, 1930 के फरवरी में मिली, और फिर उसने बोला कि गांधी जी की लीडरशिप में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे। और जो सेकेंड मीटिंग हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, साबरमती में हुई, तो उसके अनुसार 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो अपनी प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू करी, और कुछ चुनिंदा लोगों के साथ, करीब 78-80 लोग थे, जो कि धीरे धीरे करके 50,000 लोग हो गए जब वो दांडी के तट पर पहुँचे साबरमती से। तो कहाँ से कहाँ तक दांडी मार्च गांधी जी ने करी? साबरमती से दांडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक दांडी मार्च करी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और वो उन्होंने स्टार्ट कब करा? 12 मार्च 1930 को उन्होंने स्टार्ट करा, 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को वो वहाँ पर पहुँच गए। और वहाँ पर गांधी जी ने एक लंप ऑफ सॉल्ट उठाया, थोड़ा सा नमक उठाया, और एक सिम्बॉलिक एक्ट में उन्होंने वो नमक कानून का विरोध करा। ऐसा नहीं था कि गांधी जी वहाँ पर बैठ के नमक बनाने लगे और पूरा ये वो करने लगे। तो इस दौरान कुल कितनी दूरी तय करी गांधी जी ने? 241 मील की दूरी करी, जो कि करीब करीब 390 किलोमीटर की दूरी होती है। इतनी दूरी गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान तय करी। तो एक सिम्बॉलिक एक्ट था जिसमें गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। सॉल्ट जो लॉ एक्ट है वो 1882 का जो सॉल्ट एक्ट है वो सिर्फ अलाउ करता है कि ब्रिटिशर्स ही मतलब उस चीज़ को वो कर सकते हैं, और जो उस पे ना कंपनी की जो ब्रिटिश है उनकी मोनोपोली होगी। तो इसको फिर क्या हुआ कि जैसे बात ये थी कि गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको शुरू से करने से पहले ही 11 डिमांड्स जो हैं वायसराय इरविन के पास रख दी थी, जिसमें से कि एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स और गवर्नमेंट की जो मोनोपोली है सॉल्ट पे उसको ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने ये डिमांड पहले ही इरविन के पास रख दी थी। उसके बाद उन्होंने शुरू करा। सुभाष चंद्र बोस ने जो ये मार्च थी गांधी जी की, उसको जो नेपोलियन की एल्बा से पेरिस तक की यात्रा थी उससे कंपेयर करा, मतलब कि एल्बा से पेरिस जो गया था नेपोलियन उससे कंपेयर करा सुभाष चंद्र बोस ने। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, मतलब ब्रेसफोर्ड नाम के कोई पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि क्या एक हुकूमत को या फिर एक साम्राज्य को हराया जा सकता है कि एक पानी में कि केतली में पानी गर्म करने से? तो उस पर स्टेट्समैन ने जवाब दिया था कि गांधी तब तक पानी गर्म करते रहेंगे जब तक कि वो भारत को आज़ाद नहीं कर देते। तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें तो गांधी जी ने लीड करा, गांधी जी का ही प्रोग्राम आगे था। फिर उसी को देखते हुए सी राजगोपालचारी ने तंजौर कोस्ट में त्रिचोनपोली से लेके वेंद्रायम तक, कहाँ से? त्रिचोनपोली से लेके वेंद्रायम तक एक यात्रा ले गए तंजौर कोस्ट पे, और वहाँ पे उन्होंने नमक कानून तोड़ा। तो ऐसा करने वाले वो दूसरे व्यक्ति हुए, और भी भारत के कई भागों में ऐसे ऐसी एक्टिविटीज़ हुई, पर पहले गांधी जी थे और दूसरे सी राजगोपालचारी थे, और वो भी गांधीयन लीडर थे, गांधी जी की फिलॉसफी में वो बहुत विश्वास रखते थे। एक ख़ास बात यह है कि इस जो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, उसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, बहुत ही ज़्यादा मतलब महिलाओं ने भाग लिया। जैसे सरोजनी नायडू ने लिया, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन्होंने उसमें बहुत भाग लिया। और गांधी जी ने पहले तो थोड़ा हेजिटेंट थे गांधी जी उनको उनके पार्टिसिपेशन से, पर गांधी जी ने फिर उनको अलाउ कर दिया और उनको हायर रोल मतलब एक्टिव रोल दिया उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्योंकि उनको ऐसा विश्वास था कि महिलाओं के अंदर जो अहिंसा की क्षमता होती है पुरुषों से ज़्यादा होती है। तो इसलिए गांधी जी ने उनको जो पिकेटिंग थी, जो कपड़ों को आग लगाना था, चाहे वो सब करना था, उसको लिए उन्होंने महिलाओं को आगे रखा। तो फिर क्या हुआ कि 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी विलेज पहुंच गए थे, ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने जो विदेशी पत्रकार थे, क्योंकि गांधी जी को बहुत कवरेज मिला इसके दौरान, एक गांधी जी बहुत पॉपुलर हुए और पूरी दुनिया में, यूएस में एक वो अनजान चेहरा थे, पर इसके बाद अमेरिका में भी बहुत गांधी जी पॉपुलर हुए। और उन्होंने बोला कि मैं दुनिया की सहानुभूति चाहता हूँ, कि ये जो मैं राइट अगेंस्ट माइट का बैटल लड़ रहा हूँ। 5 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, एक रेड प्लान करी गई थी धरसना सॉल्ट गोडाउन पे। तो
जो रेड प्लान करी गई थी उससे पहले ही 5 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद फिर क्या है कि उसके बाद जो लीडर्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के वो तैयब जी बन गए, और तैयब जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद फिर तैयब जी को सोलापुर महाराष्ट्र से अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद इस मूवमेंट को लीड करा सरोजनी नायडू से। तो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत ही एक्टिव रोल रहा महिलाओं का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। और फिर क्या हुआ कि सरोजनी नायडू ने धरसना में जो सॉल्ट गोडाउन है वहाँ पर जो है 21 मई को वो रेड मतलब जारी रही, रेड करी गई, जो प्लान था वो हुआ। और इस बात को जो है वेब मिलर जो कि अमेरिकन पत्रकार था, तो गांधी जी के संग साथ पूरी तरह से पूरे प्रोसेस में वो साथ में रहा, तो उसने इस चीज़ को कवर करा। फिर क्या हुआ कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नाम का एक फाउंडेशन चलाया, खुदाई खिदमतगार नाम का फाउंडेशन, जिसमें एक लाल कुर्ती भी बोला जाता था उनको, या रेड शर्ट्स भी बोला जाता था। तो इसने ना नेशनल यूनिटी पे फोकस करा। नेशनल यूनिटी के साथ साथ, मतलब राष्ट्रीय एकता के साथ साथ, जो है जो खुदाई खिदमतगार था खान अब्दुल गफ्फार खान का, उसने पठान यूनिटी की भी बात करी। और इसने जो ब्रिटिश की कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी उनके खिलाफ़, और जो मजदूर थे उनकी हालत में सुधार के लिए बहुत सारे प्रदर्शन करे और ये करा। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे उनका एक पीरियोडिकल था 10 रोज़ा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है याद करने लायक। जो मुस्लिम्स थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, उन्होंने बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लिया, पर और जो एडजॉइनिंग एरियाज़ के मतलब आसपास के मुस्लिम क्षेत्र थे उन्होंने उतना भाग उसमें नहीं लिया। फिर जो गढ़वाल रेजिमेंट थी चंदा सिंह गढ़वाली के वो अंतर्गत, उसने पेशावर में जो है कि अनआर्म्ड जो गैदरिंग थी जिनके पास हथियार नहीं थे उनके ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया। तो जो गढ़वाल रेजिमेंट चंद्र सिंह गढ़वाली के अंतर्गत थी उसने ऐसा मना कर दिया। फिर क्या हुआ कि जो ट्राइबल्स थे मणिपुर के, मतलब कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा पैन इंडिया मूवमेंट बना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो ट्राइबल्स थे मणिपुर के उन्होंने भी बहुत एक्टिव रोल प्ले किया इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो शायद इनका नाम मैं सही ना प्रोनंसिएट करूँ, गाइडिनी लियू जो थी एक नागा ट्राइबल वुमन थी, इन्होंने एक जिया तरांग मूवमेंट चलाया। गाइडिनी लियू ने एक जिया तरांग मूवमेंट चलाया जो कि मणिपुर की थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेंगे, और उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ हरिजन कल्याण के बारे में काम करेंगे। उन्होंने 1932 में ऑल इंडिया लीग अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ये IAS में पूछा हुआ प्रश्न है, ऑल इंडिया लीग अगेंस्ट अनटचेबिलिटी सितंबर 1932 में उन्होंने शुरू की, और उसके साथ ही हरिजन नामक एक पत्रिका निकाली जिससे कि बेटरमेंट हो सके हरिजन्स का। तो ये काम गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान करे। और कुछ रैंडम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जैसे जो चौकीदारी टैक्स है बेगूसराय बिहार में, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान ही था। और वेब मिलर जो कि US का था उसने बोला कि मैंने बहुत सारे दंगे फसाद देखे पर इतनी पुलिस ब्रुटैलिटी, मतलब जो पुलिस का प्रताड़ना थी जो यहाँ पे हुई है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान धरसना में, उतनी मैंने कहीं नहीं देखी। अगली बात है कि जैसे मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, केवम मुंशी, इन लोगों को सॉल्ट लॉ के तोड़ने के लिए गिरफ्तार करा गया था, पर महात्मा गांधी जी को सॉल्ट लॉ तोड़ने के लिए नहीं गिरफ्तार करा गया था। उन्हें बॉम्बे बॉम्बे रेगुलेशन का 25 का जो 1827 का एक्ट था उसके अंतर्गत वो करा गया था। तो मतलब सॉल्ट लॉ तोड़ने के लिए नहीं करा गया था, ऐसा अगर तथ्य किसी स्टेटमेंट में आता है तो इस पर बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और जो ब्रिटेन का सॉल्ट एक्ट था 1882 का वो प्रोहिबिट करता था। अगला एक इम्पॉर्टेंट रैंडम फैक्ट वो ये है कि गुजरात के सबसे ज़्यादा लोग थे, मतलब पूरे देश से लोग गए थे पर गुजरात से ही शुरू हुई थी ये दांडी यात्रा, तो गुजरात के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था।